हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द रियल वेट एंड अपेरेंट वेट इन विच अ पर्सन वॉज मूविंग इन ए लिफ्ट एंड हिज वेट वॉज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कंकरेंट फोर्सेज ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ वॉट आर द कंकरेंट फोर्सेज? कंकरेंट फोर्सेज मीन्स अ नंबर ऑफ फोर्सेज, मीन्स मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. एक ही टाइम पे किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेज लग रही हैं एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन से उस पर फोर्सेज लग रही हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक on the basis of an example. Now if there is a body, this is an body in which force 1 is acting in this direction and force 2 is acting in this direction. Okay, that means concurrent forces are acting on this body and after exertion of, जब इस पे कंकरेंट फोर्सेस लगती हैं और उसके बाद भी ये बॉडी जब इक्विलिब्रियम में रहती है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हों और सारी फोर्सेस लगने के बावजूद वो बॉडी जब रेस्ट पे हो, रेस्ट का मतलब है कि वो अपनी स्टेट चेंज ना कर रही हो, सॉरी रेस्ट नहीं होगा, वो अपनी स्टेट चेंज ना कर रही हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. मतलब उस बॉडी पे कई डायरेक्शन से बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं बट नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी शुड बी जीरो. अगर नेट फोर्स उस बॉडी पे जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि उस पे जो इक्विलिब्रियम है वो आ गया उस बॉडी पे. समझ में आ गई बात? तो देखिए, हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि ये जो फोर्सेज हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा. सो इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स दिस फोर्स is trying to move this body in this direction. So it will be the direction of F2 and this will be the direction of F1. Now, if we are required to calculate the effect of these forces, in forces ka agar effect hume calculate karna hai, then we have to draw parallelogram, means we have to draw a vector parallel to this. This is this and parallel to this. So this will be the resultant force. दोनों forces लग जरूर अलग अलग direction में रही हैं, लेकिन इन दोनों का resultant किस direction में? इस direction में है. ये दोनों इस body को, ये जो body है उसको कहाँ धकेलना चाहती हैं? इस direction में. तो अब अगर इस body को अपनी state में रहना है, इस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होनी है, इसका मतलब हमें इस पे, इस डायरेक्शन, इस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी. तो रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या होगी? दिस विल बी F3. क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? तो कंकरेंट फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक बॉडी पे लग रही हैं और नंबर ऑफ फोर्सेस लगने के बावजूद होता यह है कि वो बॉडी रेस्ट पे रहती है. क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप देखिए, ये हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी और डेफिनेशन लिखने के बाद इसको हम एक्सप्रेशन के थ्रू समझते हैं. तो देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड नहीं सो दैट द नेट फोर्स ऑन बॉडी बिकम्स जीरो. हैंस द बॉडी अचीव्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, समझ में आ गई ये बात. अब इसी एक्सप्रेशन को हम समझते हैं, इसी चीज को हम एक्सप्रेशन के थ्रू समझते हैं. देखिए, एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? दैट मीन्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट है FR.
ठीक है. नाउ एज वी कैन सी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू है माइनस एफ थ्री. एफ आर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ थ्री, सो इट विल बी माइनस एफ थ्री. हैंस एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू माइनस एफ थ्री. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस बॉडी. क्या समझ में आ गई बात? नाउ अब इसी को एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. वो एग्जाम्पल क्या है? एक आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है. एक रिजिड सपोर्ट से आपने एक थ्रेड के थ्रू, ये क्या है, थ्रेड है, कोई धागा है, थ्रेड के थ्रू आपने कोई चार्ज जिसका कुछ मास है m, इसको आपने हैंग किया हुआ है. अब अगर इसका कुछ मास है तो इसका मतलब इस बॉडी पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी. वो किस डायरेक्शन में होगी? वो इस डायरेक्शन में होगी, mg. ठीक है, चलिए नीचे हैंग कर रहे हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसके बिल्कुल बगल में एक प्लेट रख दी, कंडक्टिंग प्लेट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है. अब कंडक्टिंग प्लेट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज के पास भी चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली प्लेट इस वाले चार्ज को किस डायरेक्शन में रिपेल करेगी? ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी. और ये फोर्स कौन सी होगी? जब चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स. सो एफ ई विल बी द फोर्स. अब एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा? ये इस डायरेक्शन में मिलेगा. दिस इज एफ आर. अब ये एफ आर शो क्या करता है? ये एफ आर ये शो करता है कि ये वाला जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है. अब ये इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, नीचे की तरफ तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये थ्रेड से बंधा हुआ है. तो ये किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा? ये जो चार्ज पहले ऐसे था, अब इस वाली फोर्स को मैं मिटा दूंगा और इसका मैं कंप्लीट डायग्राम बनाऊंगा कि फोर्स लगने के बाद ये जो चार्ज है वो कैसा हो गया होगा. तो फोर्स लगने के बाद ये वाला चार्ज कुछ इस तरह से शिफ्ट हो गया होगा. क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गया? तो ये चार्ज इस तरह से शिफ्ट हो गया क्योंकि नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या था? अब ये था. अब फोर्सेस का डायरेक्शन भी यहीं पे बना देते हैं. तो देखिए, ये एम जी हो गया, ये एफ ई हो गया और ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया. ठीक है, एक और फोर्स है. अगर आप देखें ये वाला चार्ज किस वजह से यहां टिका हुआ है, थ्रेड की वजह से टिका है. तो थ्रेड पे जब फोर्स लगी, जब चार्ज पे फोर्स लगी और थ्रेड इस तरफ शिफ्ट हुआ, तो उसमें कुछ टेंशन भी तो क्रिएट हुआ होगा. तो वो टेंशन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? अगर रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो टेंशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. टेंशन का डायरेक्शन क्या हो गया? ये टेंशन का डायरेक्शन हो गया. क्या समझ में आ गई बात? अब ये तो हमें पता चल गया कि फोर्सेस के डायरेक्शन है. अगर हम देखें यहां पे तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का आर. कई बार आपसे क्वेश्चन में ये निकलवाया जाता है, ये पूछा जाता है कि इस पे जो फोर्स लगा उस फोर्स की वजह से चार्ज जो शिफ्ट हुआ है उसका जो थ्रेड जो वर्टिकल एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना है, मतलब कितना ये शिफ्ट हो गया है, हमें ये बता दीजिए इन द टर्म्स ऑफ एंगल. डिस्टेंस के टर्म में नहीं पूछा जाता, या पूछा भी जाता है तो वो भी बता देंगे, लेकिन कई बार एंगल के टर्म्स में पूछा जाता है. तो एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये वाला एंगल हो गया क्या? थीटा. उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस टी को रिजॉल्व कर लेते हैं. टी को हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे. तो देखिए, टी के डायरेक्शन आपको क्या मिलेंगे? एक टी का डायरेक्शन आपको ये मिल जाएगा और एक टी का डायरेक्शन आपको ये मिल जाएगा. इसको मिटा ही दीजिए क्योंकि इसकी कोई जरूरत है नहीं. दो टी के डायरेक्शन मिल गए. अब क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और जिसके साथ एंगल थीटा बनता है उसके साथ होता है कॉस थीटा. तो ये हो गया आपका, ये वाला टी हो गया, ये हो गया टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा. अब देखिए, आपके पास इस वाले चार्ज पे लगने वाली फोर्सेस सारी की सारी इक्वल हो चुकी हैं. आर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके अपोजिट में टी लग रहा है.
इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट में टी साइन थीटा है, एम जी इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट में टी कॉस थीटा है। सारी की सारी फोर्सेस मिलके क्या बना दे रही हैं, इस चार्ज पे नेट फोर्स को जीरो बना दे रही हैं। इसका मतलब ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया है, अब ये इससे इधर या इधर मूव नहीं करेगा जब तक ये प्लेट यहाँ पे लगी हुई है। अगर इस प्लेट को हटा लिया जाए तो ये चार्ज वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे क्या एंगल कैसे निकाला जाए, तो एंगल देखिए कैसे निकाला जाता है। इसकी दो इक्वेशंस बनाई जाती हैं, जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको ले लीजिए और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनको ले लीजिए। अब वर्टिकल फोर्सेस को लेने का क्या मतलब है, एक फोर्स आपके पास वर्टिकल अपवर्ड ये है और वर्टिकल डाउनवर्ड ये है, क्योंकि ये फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इनको लिख देंगे क्या, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस को हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन की फोर्सेस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई सेम डायरेक्शन में फोर्स है नहीं, जब भी होगी उनको ऐड करेंगे। अच्छा हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो क्या आ गया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन बनाने के बाद आपको अगर एंगल निकालना है तो इसको नंबर वन दे दिया, इसको टू दे दिया, नाउ डिवाइड टू बाई वन, टू बाई वन नाम दे दिया। तो देखिए टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, क्या क्लियर हो गई बात, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा एफ ई बाई एम जी, और ये एफ ई और एम जी दिए हुए होते हैं, ठीक है। चलिए क्या समझ में आ गई बात, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आती है। इसी के बेसिस पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है एफ ई, तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितनी है, दैट इज 50 न्यूटन, इलेक्ट्रिक फोर्स 50 न्यूटन लग रही है, और जो मास है उसका जो मास है दैट मास इज इक्वल टू 1 kg, 1 kg नहीं 2.5 kg, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये 2.5 के अलावा कुछ और ले सकते हैं वैल्यू को, 10 kg मास है मान लो, वैसे चार्ज का मास 10 kg होना बहुत बड़ी बात है, अलग चीज़ है बिल्कुल। ये ले लिया आपने, तो mg कितना हो गया, mg इज इक्वल टू 10 × 10 100 हो गया, 100 न्यूटन का फोर्स लगा इस पर, तो 10 थीटा विल बी इक्वल टू 50, एफ इज इक्वल टू 50 बाई 100 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब देखिए 10 थीटा की वैल्यू आपको 0.5 मिल गई, अब आपको टिग्नोमेट्रिक टेबल से देखना होगा कि 10 थीटा की वैल्यू 10.5 किस एंगल पे मिलती है, और वो यहाँ पे लिख देना होगा। एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप एग्जामिनर टिग्नोमेट्रिक टेबल आपको दी जाएगी, और अगर टिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं दी गई तो उस कंडीशन में आपको एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर वो वहाँ होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि सर 0.5 की 10 के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या होगी। अगर नहीं पता चलता है तो इतना आंसर भी वैलिड होगा, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन है। पहला क्या है, टिग्नोमेट्रिक टेबल, सेकंड आप पूछेंगे कि क्या वैल्यू हो सकती है, थर्ड आप इसको एज इट इज लिख के आ जाएंगे। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हुआ, तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं, ना सिर्फ 11th क्लास में बल्कि 12th में भी, तो आपको ये फोर्सेस को रिजॉल्व करना और उसके बेसिस पे आंसर निकालना आना चाहिए। तो देखिए एक क्वेश्चन है, 6 kg मास सस्पेंडेड विद रोप ऑफ 2 meter लेंथ, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, 50 newton फोर्स exerted on the mid of rope, find the
angle made by rope with vertical के साथ एंगल कितना बना है वो बताना है आपको। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम क्या बनेगा। डायग्राम पता चल जाएगा आपको तो आप कर पाएंगे इसको। तो देखिए डायग्राम इसका कैसा होगा कि एक रिजिड सपोर्ट है, उस रिजिड सपोर्ट से कुछ मास हैंग कर रहा है, दिस इज 6 kg। और अगर मैं इसका वेट कैलकुलेट करूं तो वेट होता है एम जी, तो मास हो गया 6 और जी को हम 10 मान लेते हैं, तो 6 × 10 इज इक्वल टू 60 newton इसका वेट हो गया नीचे की तरफ। अब क्या हुआ कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स लगाई गई, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई, और फोर्स लगाने की वजह से जब फोर्स इस पर लगी कितनी 50 newton, तो आपको बताना है कि ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा होगा। तो देखिए फोर्स के लगने की वजह से क्या चेंजेस आ गए, फोर्स के लगने की वजह से जो थ्रेड पहले बिल्कुल सीधे था अब ये बिल्कुल सीधे नहीं रहा, बल्कि ये थ्रेड कुछ इस तरह से शिफ्ट हो गया, कुछ इस तरह से ये कुछ ऐसे चला गया फोर्स के लगने की वजह से इधर, और मास इस तरह से रहा 6 kg और mg हो गया 60 newton। अब ये जो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है ये आपको बताना है, ये आपको 50 newton दिया हुआ है। क्या समझ में आ गई बात? तो ऐसे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना है आपको। आपको बता दिया है कि यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही होगी टी, इस टी को फटाफट रिजॉल्व कर लीजिए दो डायरेक्शन में, ये टी कॉस थीटा रिजॉल्व हो जाएगी, ये थीटा है तो ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को आप इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करने के बाद देखिए क्या फोर्सेस आ जाएंगे, एक तो डायरेक्ट हो जाएगा और एक कंप्लीट मेथड के साथ होगा। डायरेक्ट अगर करूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई आया था, एफ ई कौन सी थी हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी हो गई हमारे पास 50 newton डिवाइडेड बाई 60 newton, तो आपका डायरेक्ट मेथड आ गया, डायरेक्ट आ गया दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई क्या है 50 बाई, एफ ही नहीं है हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 50/60 इज इक्वल टू 5/6, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन ये वाला मेथड सीबीएसई में अप्लाई नहीं होता, नीट में क्वेश्चंस आएंगे वो तो आप कर देंगे, लेकिन सीबीएसई में ये क्वेश्चंस ये इस तरह से नहीं होगा। किस तरह से में होगा ये सीबीएसई में वो देखिए, आपको कंप्लीट इसको सॉल्व करना होगा, दैट मीन्स t cos theta is equal to 60 and t sin theta is equal to 50. 1, 2 divide 2/1. CBSE ये कहती है कि बच्चे को पूरे मेथड की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको ये 50/t cos theta इज इक्वल टू 60, टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/6, आंसर वही आएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये वाला मेथड आपको सीबीएसई में नहीं करना है, ये वाला मेथड पूरा फॉलो करना है। क्या समझ में आ गई बात? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे बेस, वो क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक रोप ये है जहाँ से कुछ मास हैंग किया हुआ है, ऐसे नहीं, एक ये भी है रोप, इन दोनों से मास हैंग किया हुआ है, ठीक है। हमने कहा जो मास हमने हैंग किया है वो 5 kg है, 5 kg मास है, या 6 kg ले लीजिए, जो भी है 6 kg ले लेते हैं, तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 60 newton होगा। और एक चीज़ और दी है कि ये वाली जो रोप है ये 30 degree एंगल पे है, और ये वाली रोप जो है वो 60 degree एंगल पे है। आपको एंगल्स यहाँ गिवन है, आपको क्या निकालना है कि ये जो दोनों रोप्स हैं ये T1 और ये T2, इन दोनों रोप्स पे टेंशन कितनी लग रही है, वो टेंशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अब सबसे पहला काम ये है कि आप T1 और T2 को रिजॉल्व कर दें, तो रिजॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा,
टी वन को अगर रिजोल्व करूँ तो ये एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में रिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि एंगल 30 डिग्री ये है, तो ये भी क्या हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया टी वन कॉस 30, जिसके साथ एंगल होता है थीटा होता है उसके साथ कॉस आता है, और ये हो गया आपका ये वाला, मैं यहाँ बना देता हूँ टी वन साइन 30, ठीक है। ऐसे ही आपने टी टू को रिजोल्व किया, टी टू को रिजोल्व करेंगे तो देखिए ये दो डायरेक्शंस में रिजोल्व हो जाएगी, एक इस डायरेक्शन में रिजोल्व होगी, और क्योंकि एंगल 60 ये है तो ये भी 60 हो गया, तो ये टी टू कॉस 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में रिजोल्व किया एक तो ये हो गया आपका टी टू साइन 60। क्या समझ में आ गई बात? तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेज हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेज हो गई। तो देखिए आप इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करेंगे, क्या आ गया टी टू कॉस 60, मैं लिख देता हूं इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। टी टू कॉस 60 इज इक्वल टू टी वन कॉस 30, कॉस 60 और कॉस 30 की वैल्यू रख देते हैं यहां, कॉस 60 विल बी 1/2, सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 2, और ये होता है कॉस 30 रूट 3/2, सो इट विल बी टी वन रूट 3/2, इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आ गया टी टू इज इक्वल टू टी वन रूट 3/1। अब वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस को जब इक्वेट किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएंगी? अब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, तो दो फोर्सेस हो गई क्या, टी टू साइन 60 प्लस टी वन साइन 30 इज इक्वल टू, नीचे कितनी फोर्स है 60 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। तो देखिए आप क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे टी टू की वैल्यू लिख लेते हैं पहले ही, तो ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई टी वन रूट 3, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा, साइन 60 आपका होता है रूट 3/2 प्लस टी वन साइन 30 होता है आपका 1/2, तो ये लिख लिया और ये हो गया 60, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा टी वन 3/2 टी वन प्लस 1/2 टी वन इज इक्वल टू 60, सो 3/2 प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 4/2, सो 4/2 टी वन इज इक्वल टू 60, सो इट विल बी 1/2 टी वन इज इक्वल टू 60, तो टी वन इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1/2 नहीं, 2 इंटू टी वन, तो टी वन इज इक्वल टू 60/2, तो ये हो गया आपका 30, और टी वन मतलब टेंशन, तो इसकी न्यूटन क्या हो गई 30 न्यूटन, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के आपने इस वाले उसमें पुट कर दिया टी वन को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहां से अगर पुट करें तो टी टू इज इक्वल टू 30√3, तो 30√3 की वैल्यू 1.73, मल्टीप्लाई किया इसको तो 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5, सो इट विल बी 51.9, इट विल बी 51.9 न्यूटन फोर्स, इट विल बी 30 न्यूटन फोर्स, ये दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास। तो देख सकते हैं आप, क्योंकि इसने एंगल कम बनाया है, इसका मतलब इसको ज्यादा खींचा गया है, ज्यादा इसको स्ट्रेच किया गया है, इसलिए इस पे ज्यादा टेंशन निकल के आई है, इस पे कम टेंशन निकल के आई है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस इस पे करने होंगे, तो आपको समझ में आ पाएगा कि फोर्सेस कैसे रिजॉल्व होती हैं और फोर्सेस के रिजॉल्व होने की वजह से कैसे कैसे आपको आंसर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज का मोशन पढ़ेंगे, देखते हैं, ठीक है, चलिए।